रहे हो वो बच गए वो ये ठीक है। हल्का सा आप स्लिप होता है तो ऐसे खाइए। तो ये ब्यूटीफुल प्लेस पे पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने अफीम भाई। अफीम नहीं यार, मैं तब से यही बोल रहा हूँ, मैंने ही आपका नाम बोला। अरे यार क्या बोल दिया, जो कि अच्छा खासा नशा हो गया इनके। गिनती भाई, अरे यार तुम तो भाई अफीम भाई, अफीम भाई तो काफी अच्छा नशा हो रहा है नाम से इनके। तो नहीं नहीं नाम पहले करेक्ट कर लेते हैं। अफीम नहीं है, मेरा नाम फहीम है। फहीम, इन्होंने थोड़ा प्रोनाउंस गलत किया इसकी चीज के लिए ना, मैं इनको माफ कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा प्लीज प्लीज। तो अभी हम निकल रहे हैं दूसरी लोकेशन के लिए। सो फाइनली यहाँ से निकलते हैं आप। बहुत 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 मजा आया यार मुझे सच में। तो दोस्तों गवास्को करते हैं बाय बाय। अब यहाँ से मैं नया वीडियो शुरू करता हूँ, जो कि डाउन हिल से लेके हम पहुँचेंगे अब यहाँ से नामनल वाटरफॉल। होने को यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर का है, हार्डली 10 किलोमीटर का रास्ता है, बट ये जो 10 किलोमीटर का जो रास्ता है टोटली ऑफ रोड है। बहुत अच्छा वाला ऑफ रोड मिलने वाला है, और मतलब जहाँ तक तो हम आए वो तो ऑफ रोड है ही, उसके आगे भी फाहिम भाई से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हाँ आगे भी आपको अच्छी खासी ट्रेल मिलने वाली है, तो यू आर रेडी। तो मैं हमेशा ही रेडी रहता हूँ एडवेंचर के लिए, तो आप भी मेरे साथ आई होप रेडी हो एडवेंचर के लिए। तो डाउन हिल देखो अप साइड चढ़ाना तो इजी है, जब बाइक नीचे को जाते हैं ना तब थोड़ा सा रिस्की सा रहता है, क्योंकि ना ब्रेक लगते हैं और कई बार तो टायर स्लाइड होते ही जाते डाउन को। तो ध्यान से चलाना है, करते हैं तो इस ट्रेल को एंजॉय। और शायद आई थिंक उसके बाद ना 1 किलोमीटर के आसपास समथिंग राउंड ट्रैकिंग भी है, तो मैंने कभी देखा नहीं है वहाँ का वाटरफॉल कैसा है क्या है। तो बस मेरे साथ जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है कैसा है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे जैसे हैं। अभी क्या डाउन में बस आपको हैंडल कंट्रोल करना, हल्का 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 रेस पे ध्यान रखना, बस दैट्स इट। येप, नो क्लचिंग, नो थ्रॉटल, दैट्स इट, आराम से चलना है। दो दो रास्ते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा कुछ ट्रेल मिलता अपने को, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से निकलना है। साइलेंसर लगा मेरा धैट से। ग्राउंड क्लियरेंस अगेन, एक बार और मजा नहीं आया, मतलब आपको यहाँ से नीचे उतारने में मजा नहीं आया। क्या कह रहे हो, वो बच गए वो ये ठीक है। मेरी गाड़ी बाइक ना नीचे से चलेगी धुरूम। जिनको इतने एडवेंचर से मजा नहीं आ रहा उन्होंने और शॉर्टकट एडवेंचर बना रखा है। पत्थर है वो रोड़ा छप्पा पा रहे। अरे यार ये दो दो रास्ते ने कंफ्यूज कर दे रहे कि जाना कहाँ, किधर को उधर को। कूदम कूद हो रही है। अच्छा जूम 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 करके ऐसे नीचे निकलना है, बोलना बड़ा आसान है, जूम जूम करके निकलना है। ये उनके लिए लोकेशन है जिन्हें ये सब करना पसंद है, मतलब गिरना है फिर उठना है, फिर गिरना है फिर उठना है फिर करना है। अभी कहीं गलत तो नहीं घुस गया मैं भी, जाते समय ये सब रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। अबे लगी मेरी बाइक।
तो यहाँ से ट्रेल शुरू होता है ये वाला, शायद यहाँ से जाना होगा। अब तो यही बोलूँगा जो करके आ गया अब ये उसके सामने कुछ भी नहीं। तो ये रास्ता जाता है गवास के लिए और ये रास्ता जाएगा वाटरफॉल, नामनग वाटरफॉल के लिए। तो यहाँ के भी लिए एक अच्छी छोटी सी ट्रेल है। ये लोकेशन तो मेरे को स्पेशली बाइकर्स या एडवेंचर पर्सन या ट्रैकर्स उनके लिए है, क्योंकि 4x4 वाले मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि ये जगह सरप्राइज है, सरप्राइज। बढ़िया अच्छा आज बारिश नहीं हुई है, देख रहे हो पीछे से दिख रहा होगा, नहीं तो आगे चलता तो नहीं पता चलता कि कितना डाउन है। बहुत डाउन है बॉस। क्या अमित भाई पार कर पाएंगे? इजीली कर पाएंगे। क्या तू पार कर पाएगा? ओके, थोड़ा सा एडवेंचर था। ब्रेक नहीं मारी ना? हाँ। ये करना होता हमेशा। ब्रेक खेलोगे तो गिर जाओगे। वाओ, कितने प्यारे विलेजेस हैं यार। तो इस रोड को मैं बोलूंगा कि मोटरबल रोड है, बट वो वाली जो रोड थी उसे मैं कहूंगा जो बाइकर्स एडवेंचर करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वे है। बेस्ट वे ये हम लोगों में थोड़ा एक्स्ट्रा कीड़ा है, शायद इसी वजह से उन्होंने रोड बना रखी है, तो हमें यहीं पे रुकने के लिए बोल दिया, और जो कि सही जगह भी है पार्किंग के लिए। तो एक बार फिर से लैंडस्केप पे खड़ा हूँ मैं बहुत प्यारे से। अभी हमारी बाइकें नीचे खड़ी हुई है और यहाँ से अब हम ट्रैक करके जाएंगे नागला वाटरफॉल, तो क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता बंद है बाइकर्स के लिए, अब है ट्रैक करना। ट्रैक आई थिंक आधे घंटे का ट्रैकिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है ये जो आपको छोटी छोटी नहर दिख रही है ये हमारा नेविगेशन है नामलग वाटरफॉल पहुँचने के लिए। वैसे लोग आ रहे हैं काफ़ी वहाँ से। एक्चुअली हम बाइकर्स की सबसे ज़्यादा जान होती है हमारी हेलमेट, तो मैंने भी अमित भाई के बैग पे लोड कर दिया हेलमेट, उनका एक हाथ फ्री कर दिया, और सेम चीज़ मैंने अपनी करी है अगेन फिर से। ओह वाह, एक छोटे से रेस्ट के बाद फिर से ट्रैक पे। ओ अमित भाई देखो, वैसे तो हम देख नहीं पाते हैं उधर का पहाड़, देखो ये बिल्कुल यार देखो स्टिप है चढ़ाई। अब यहाँ से पास है, ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक 100 किलोमीटर और होगा। Oh,
नामलांग वाटरफॉल का कुछ व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी। हम यहाँ पिछले 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, अब टाइम हो गया निकलने का। आई होप आज का जो मैं अपना राइडिंग अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो एक्चुअल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पिछले 10 दिन से श्रीनगर कश्मीर में रुका हुआ, बट राइडिंग मैंने करी, बट एक अंदर से फीलिंग आती ना कि हाँ यार आपको मज़ा आ रहा है, बट आज की जो राइडिंग थी मुझे एक्चुअल में मज़ा आया। टैरा में ब्यूटीफुल सीनिक सीन होते हुए फिर टैरा पैक पे फिर अप हिल पे, उसके बाद जो शुरू हुआ थर्ड स्टेज वो था ऑफ रोडिंग का। ऑफ रोडिंग के बाद जो हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं मिड गवास पे, गवास पे जो व्यू देखने को मिलता अमेजिंग। गवास से फिर रिटर्न होकर हम आए हैं अभी नामलांग वाटरफॉल पे। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए एंड इसके अलावा कुछ बेहतरीन से शॉट्स लिए। और पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अब टाइम है यहाँ से निकलने का। और सब लोगों की तरफ से उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि कैसा लगा उन्हें यहाँ का। हाँ जी अमित भैया, हाँ बोलो कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा। ओके, ऑफ रोड करके बहुत अच्छा लगा, और आज अमित ट्रैक करके भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, मज़ा आया। और आज ट्रैकिंग भी अच्छी हुई है हमारी। आओ इधर आओ, इधर आओ। फाइन भाई, मैं फिर नाम गलत दे रहा हूँ सर। चलो हाँ सर, मुझे पर्सनली थैंक यू इस जगह पर लेके आने के लिए। एक बार और बोलता हूँ थैंक्स। ये ऐसी जगह शायद मुझे लगता है आप जानते हो और कोई नहीं जानता, और दूसरा अंकित भैया जो इस तरह से कश्मीर को ना एक्सप्लोर करा रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसी जगह को जानते हैं। ओके, लेकिन अगर जब आप ऐसी जगह आना चाहते हो तो एटलीस्ट किसी जान पहचान के बंदे से आ जाए। जरूर जरूर जरूर, ये चीज़ जरूर करेंगे कि जब भी आपको आना ग्रुप से या किसी लोकल राइडर से पता करके यहाँ तक पहुँचे। बाकी सर का चैनल मैं नीचे डाल दूँगा, प्लीज़ चेकआउट करो। अगर आपको कश्मीर एक्सप्लोर करना है एक्चुअल में, थोड़ा लोकल नॉलेज चाहिए यहाँ एक्सप्लोर करना, तो चेकआउट सर का चैनल। हमारी चैनल पे है, हमारे चैनल का नाम है एडवेंचर्स ऑफ फहीम। अब जाके वहाँ मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, आई होप आपको मज़ा आएगा। और ये ब्यूटीफुल, अब हम यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। पीछे वाटरफॉल आ रहा नामलांग, नामलांग वाटरफॉल जो शो नामलांग, नामलांग जगह बहुत कम होते हैं जो सही होता है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और इस लोकेशन को करते हैं अब यहाँ से बाय बाय। तब तक खुश रहो, हैप्पी रहो और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो।